जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा कदम बड़े भाई की मर्जी के बगैर उठाया है। वो पता चलेगा तो पता नहीं क्या सोचेंगे। ये सब उन हालात की वजह से हुआ है जो हमारे और हमारी बेटी के लिए पैदा कर दिए गए थे। आप किन हालात की बात कर रही हो? भी ना, इस तरह से दोनों खानदानों से एक साथ रिश्ता आ जाना, एक को इनकार का मतलब था कि दूसरे का दिल दुखाना। अब आप इन हालात में कर भी क्या सकते थे? परेशान मत होइए, यहाँ तक आ गए हैं ना, आगे भी अल्लाह की मर्जी से सब साथ खैरियत से हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरे बहुत प्यारे अल्लाह मियाँ, मेरे बेचारे माँ बाप को हौसला और ताकत देना कि वो आगे भी ऐसी साबित कदमी से अपने फैसले पर डटे रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना खूबसूरत एहसास है ना कि अब तुम मेरी हो, क्योंकि मेरे नाम की अंगूठी अब तुम्हारी उंगली में आ चुकी है। जी, अंगूठी कैसी लगी? अच्छी है। तुम हंस रही हो? नहीं तो? मुझे ऐसा लगा कि तुम हंस रही हो, या फिर शायद तुम बहुत खुश हो। कहते हैं जब इंसान बहुत खुश होता है, स्पेशली कोई लड़की, तो उसकी आवाज खुद ब खुद खनकने लगती है। जी, खुश तो हूं मैं, आप नहीं है क्या? मैं खुश क्यों नहीं हूं? मेरे हाथ में भी तो अब तुम्हारे नाम की अंगूठी आ चुकी है। बस अब मैं तुम्हें बहुत जल्द इस घर में देखना चाहता हूं। हेलो, खामोश क्यों हो गई? कुछ तो बोलो। नहीं, बस आप बोले, मैं आपको सुन रही हूँ। अरे मैं तो कब से बोल ही रहा हूँ, तुम भी तो कुछ कहो। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, मुझे अच्छा लगता है आपको सुनना। दिल करता है कि आप बस बोलते रहे और मैं आपको सुनती रहूँ। Really? एक बात पूछूं आपसे? पूछ के पूछने वाली बात है तो यकीनन इम्पोर्टेंट होगी। हाँ, इम्पोर्टेंट तो है। तो फिर पूछो। आपको खाने में क्या पसंद है? ये तुम्हारी लिए इम्पोर्टेंट बात? जी, अम्मी ने कहा था कि जब आपसे बात हो तो मैं आपसे पूछ लूं। पागल हो तो, बिल्कुल पागल।